पाटीदार आंदोलन अमानत समिति के नेता हार्दिक पटेल ने कांग्रेस के आरक्षण फॉर्मूले को मंजूर कर लिया है। ये फॉर्मूला गुजरात में पाटीदारों को आरक्षण देने के संबंध में बनाया गया है। हार्दिक पटेल ने कहा कि कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल ने उन्हें जो प्रस्ताव दिया, हमने रिव्यू करने के बाद उसे स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही हार्दिक का कहना है कि पास कोर कमेटी की मीटिंग के बाद हम घोषणा करते हैं कि पाटीदारों को आरक्षण देने का कपिल सिब्बल और कांग्रेस पार्टी का प्रस्ताव सही है, हम इसे स्वीकार करते हैं। अब हम इस पर गुजरात के दूसरे सामाजिक संगठनों से बात करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि पाटीदारों को संविधान और दूसरे कमीशन की सिफारिशों की गाइडलाइन के अंतर्गत आरक्षण मिलना चाहिए। यदि हम आरक्षण के कांग्रेस के फॉर्मूले को मानते हैं, इससे पाटीदारों के साथ साथ गुजरात के दूसरे समुदायों को भी फायदा होगा। माना जा रहा है कि कांग्रेस इसे अपने चुनावी मैनिफेस्टो में शामिल कर सकती है। वहीं इस मौके पर हार्दिक पटेल का कहना है कि देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जो यह कहे कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। हम कांग्रेस के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। यदि पटेल मध्य प्रदेश में आरक्षण पा सकते हैं तो गुजरात में क्यों नहीं। वहीं सेक्स टेप के आरोप पर हार्दिक पटेल का कहना है कि इस क्लिप को कहीं बाहर से अपलोड किया गया है, यह मॉर्फ भी है। मैं जल्द ही अपना सबूत पेश करूंगा कि मैं नपुंसक नहीं हूं, मैं आदमी हूं। यदि मैं नपुंसक होता तो खुलेआम कहता। दरअसल पटेलों के आरक्षण के मुद्दे पर हार्दिक पटेल ने गुजरात में मुहिम शुरू की है। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस से भी बात की थी कि पटेलों को आरक्षण देने के लिए उनके पास क्या फॉर्मूला है। इससे पहले मीडिया में खबर आई थी कि हार्दिक ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की थी। हालांकि हार्दिक लगातार उनकी और राहुल गांधी के बीच हुई इस मुलाकात से इनकार करते रहे हैं।